हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएससी रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास माना जाते हैं सर के आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन, जो कि दिवाली पर रिलीज होने वाली है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो कैमियोज हैं उनको लेकर भाई साहब जो तरह तरह की अपडेट्स हैं वो निकल कर आ रही है। यस के निकाब सभी को पता है कि पहले सूर्य सर का कैमियो कहा जा रहा था, फिर सलमान सर का, और वहीं अब प्रभास सर के कैमियो को लेकर कहा जा रहा है कि जो प्रभास सर का कैमियो है वो हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। और पर्सनली मैं बताऊं ना तो यहां पर सलमान खान सर का कैमियो और प्रभास सर का कैमियो, इन दोनों को लेकर मुझे खुद लगता है कि भाई साहब इन दोनों कैमियोज में से किसी एक कैमियो की पॉसिबिलिटी जरूर है। यस के यानी कि यहां पर इन दोनों कैमियोज को लेकर कुछ हिंट्स हैं मेरे पास, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी अजय देवगन सर के फैंस हैं, सिंघम अगेन के फैंस हैं, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे अपडेट्स को देख सके। तो फ्रेंड यहां पर आप सभी को पता है कि सलमान सर के कैमियो को लेकर मैंने आप सभी को बोला था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि सलमान सर का कैमियो हो सकता है, क्योंकि दबंग 4 को रोहित शेट्टी सर डायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो दबंग 4 की अनाउंसमेंट हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर करा सकते हैं, वो भी सलमान सर की एंट्री कराकर, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के होने के। लेकिन उसके बाद अगर बात करें प्रभास सर के कैमियो की, तो आप सभी को पता है कि हाल ही में रोहित शेट्टी सर ने एक वीडियो शेयर किया था वो कार वाला, जिसमें उन्होंने बोला था कि एंट्री किसी और की होगी। तो वहां पर बैकग्राउंड में जो बीजीएम था, जो म्यूजिक था, वो बुज्जी का था। यस गाइस, कि कल की 2898 एडी में जो प्रभास सर की गाड़ी थी जिसका नाम था बुज्जी, उसकी एंट्री पर जो म्यूजिक बजता था भाई साहब, सेम वही म्यूजिक हमें उस वीडियो के बैकग्राउंड में देखने को मिला था। और जिसके बाद जो बड़े बड़े आप कह सकते थे कि सोर्स हैं, जो बड़े बड़े मीडिया एंकर हैं, उन्होंने भी भाई साहब आर्टिकल छापे हैं के इस मूवी के अंदर। हालांकि ई टाइम इंडिया जिन्होंने भाई साहब ये आर्टिकल छापा है और उन्होंने बताया है कि इस मूवी के अंदर प्रभास सर का जो कैमियो है वो हो सकता है, और भाई साहब मुझे भी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बैकएंड में म्यूजिक लगाया गया वो वैसे नहीं लगाया गया, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर ने हमें शायद हिंट भी दिया है कि इस तरीके की एंट्री किसी की होने वाली, और यहां पर बैकएंड में वो किसी और चीज का भी म्यूजिक लगा सकते थे, सिंघम अगेन मूवी का म्यूजिक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने बुज्जी का म्यूजिक लगाया। तो भाई साहब इसमें कुछ ना कुछ राज तो है, तो पॉसिबिलिटी मुझे भी काफी ज्यादा लग रही है कि प्रभास सर का कैमियो हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो समझो सिंघम अगेन को 500 नहीं 1000 करोड़ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस गाइस, यानी कि चाहे ये मूवी क्लैश में रिलीज हो या फिर सोलो रिलीज हो, यह मूवी 1000 करोड़ कर देगी अगर इस मूवी के अंदर प्रभास सर का कैमियो हो गया। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और पर्सनली इस कैमियो को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और मुझे भी लगता है कि सलमान सर का या फिर प्रभास का जो कैमियो है वो हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यार ये जो कैमियो है ये होगा या नहीं होगा, हमें कमेंट करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट उसको देख सकें।